हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं बताने वाला हूं कि व्हाट्सएप का न्यू पॉलिसी क्या है और न्यू पॉलिसी में क्या है, तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है, व्हाट्सएप ने एक नया पॉलिसी लाया है जिसमें इस पॉलिसी में जो बताया गया है कि आप कोई भी डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो अब अपने पास व्हाट्सएप ऑफिस रखेगा, उसका कुछ भी चैट जो आपका रहेगा वो अब प्राइवेसी पहले की तरह नहीं रहेगा। तो आप सभी को पता है कि अब व्हाट्सएप जो है सो अपनी नीति बदल ली है, तो इस नीति को जो आपका प्राइवेसी एक्सपोज होगा तो उसी एक्सपोजर से बचने के लिए एक नए ऐप के बारे में बताना जा रहा हूँ जो बहुत ही सिक्योर और प्राइवेसी से भरा है, तो उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो एक ऐप है जो प्ले स्टोर में आपको जाना पड़ेगा, तो उस ऐप के बारे में बताने जा रहे हैं जो सिग्नल ऐप है। तो सबसे पहले अपने मोबाइल डाटा को चेक कर लीजिए कि ऑन है कि नहीं, उसके बाद फिर अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाकर आप सर्च बटन पर कर सर्च कीजिए सिग्नल ऐप। इस बटन पे आप सर्च कीजिए सिग्नल ऐप, तो ऊपर ही आ जाएगा सिग्नल प्राइवेट मैसेंजर, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और इसका जो फीचर्स है देख रहे हैं, रेटिंग भी 4.5 का है। और ओ माय गॉड, मैंने कल देखा था 10 मिलियन प्लस था, बट आज एक दिन के अंतराल में 50 मिलियन हो गया है। तो जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि व्हाट्सएप को अभी सभी जो अपना पॉलिसी की वजह से इग्नोर किया जा रहा है और सारे के सारे सिग्नल ऐप आ रहे हैं, तो इस ऐप को सबसे पहले बताएंगे इंस्टॉल कीजिए। तो इंस्टॉल पर क्लिक करके पहले इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद आगे के प्रोसेस करेंगे। तो हम इंस्टॉल कर रहे हैं अपना ऐप, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा ऐप इंस्टॉल हो रहा है। तो इंस्टॉल होने के बाद आप सभी को बताएंगे कि किस तरह से यह हमारा जो है सो प्राइवेसी में रहेगा और किस तरह से इंस्टॉल होगा, ये सारा कुछ बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें। तो जैसे कि देख रहे हैं मेरा ऐप अब इंस्टॉल हो चुका है, तो चलिए इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या है टर्म्स एंड कंडीशन, क्या क्या प्राइवेट या प्राइवेसी रहेगा, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले ओपन पर क्लिक कीजिए। ओपन पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें लिखा है टेक प्राइवेसी विथ यू, बी योर सेल्फ इन एवरी मैसेज एंड टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी। अगर आप चाहें तो इसका प्राइवेसी चेक कर लें, क्लिक करके उस पर जस्ट ऑन कर लें क्रोम पर, और वहां पे आपको सारा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन क्या है उस पर देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देखते हैं सिग्नल टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, अबाउट योर सर्विस, जैसे कि सारा कुछ इसमें है, आप इसे सही से पढ़ लें। उसके बाद पढ़ने के बाद उसके बाद बैक आ जाएं, बैक होने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। तो कंटिन्यू पे करने के लिए फिर यहाँ से कंटिन्यू दोबारा करना पड़ेगा, उसके बाद सारा कुछ जरूरी है वह पूछेगा, अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, जैसे कि मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। और मोबाइल नंबर डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और इसमें ऑटोमेटिक OTP वेरीफिकेशन हो जाएगा। OTP वेरीफिकेशन होने के बाद उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें मैंने एक बार फिर दोबारा क्रिएट किया है, तो इस चलते मेरा एक जो है नेम नहीं खोजा, इस चलते यहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के रूप में डाल सकते हैं, जैसे कि मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ, मैंने अपना स्ट्रॉन्ग पिन डाल दिया है। उसके बाद कंटिन्यू करें, आप चाहें तो इस ऑप्शन को स्किप भी कर सकते हैं। तो पिन डालने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पे आप चाहे तो अपना फोटो लगा सकते हैं प्रोफाइल पिक के रूप में, और यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में ये ऑप्शनल है, तो इस पर डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, इसे कोई नो इशू। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से आप सारा कुछ देख सकते हैं, व्हाट्सएप की तरह यहाँ पे चैट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप चाहें तो आपका जितने भी कॉन्टैक्ट हैं यहाँ पे आ जाएंगे। इस ऑप्शन से आप चाहे तो अपना फोटो या कुछ भी शेयर कर सकते हैं, जिस तरह से व्हाट्सएप में आप सभी शेयर करते थे उसी प्रकार से इसमें भी कोई भी अपना शेयर कर सकते हैं डाटा को। यहाँ से अगर क्लिक करते हैं तो जितना भी सिग्नल ऐप में आपका जो फ्रेंड्स या कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसे कि ये मेरा सभी फ्रेंड्स लोग हैं इस पर आ गया, तो मैं चाहूँ तो अपने फ्रेंड्स को मैसेज भी कर सकता हूँ, जैसे कि ये मेरा भाई है तो इस पर मैं मैसेज कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको ऑन करना पड़ेगा, जैसे कि मैसेज आ रहा है, आप चाहें तो फोटो या फोटो भी भेज सकते हैं। यहाँ से व्हाट्सएप की तरह ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं या वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, सारा कुछ जो है सो व्हाट्सएप की तरह ही है। और इसमें जो है सो आपका डाटा जो है सो सिक्योर रहेगा, प्राइवेसी में रहेगा, तो आप इसको अच्छा से यूज़ कर सकते हैं, कोई नो इशू। आप देख सकते हैं जैसे कि आपको दिखाया प्ले स्टोर में, बहुत ही मैंने एक दिन के अंदर में 10 मिलियन से 50 मिलियन हो गया डाउनलोड, तो आप जान सकते हैं कि इसका जो डाउनलोडिंग का स्पीड है सो कितना भाग रहा है, तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं और चला सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं न्यू ग्रुप, जैसे व्हाट्सएप में न्यू ग्रुप क्रिएट किया जाता है ग्रुप, उस तरह से इस पर क्लिक करके आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था व्हाट्सएप का न्यू पॉलिसी से बचने के लिए बहुत ही सिक्योर ऐप सिग्नल ऐप। तो आई होप आप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद पड़ा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।